अच्छा इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देखो गॉड मोड ऑन हो, ठीक है। पुलिस मुझे कितना भी मारे तो मैं मरूंगा ही नहीं। और चित्त देखो, ठीक है। तो ये मेनू को इंस्टॉल करने के लिए तो आपको क्या करना है, पहले आपको कोई ब्राउजर में जाना है, ठीक है। ये ट्रेनर इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को ये तीन फाइल चाहिए, एक है स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट और दूसरा चाहिए स्क्रिप्ट हुक वी प्लस नेटिव ट्रेनर और तीसरा फाइल चाहिए मेनू पीसी, ठीक है। तो ये तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर वो लिंक आपका काम नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे, कोई भी ब्राउजर में जाओगे, किसी भी ब्राउजर में जाके आपको ये लिखना है GTA 5 में। आप सर्च कर लोगे तो देखो पहला वाला जो वेबसाइट है इस वेबसाइट में आपको जाना है। तो इस वेबसाइट में जाके यहाँ पे जो सर्च बार दिख रहा है यहाँ पे सर्च करना है, जो कि हमको मेनू सर्च कर मेनू पीसी सर्च करना है। तो देखो हमारा आ गया पहला वाला जो लिंक है यही लेना, ठीक है। पहला वाला जो लिंक है यही लेना, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो हम लोग इसी वेबसाइट में पहुंच गए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड लिंक के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आप इस वाले वेबसाइट में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आके तो यहाँ पे देखो डाउनलोड लिंक यहाँ पे दिया गया है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो मेरा ये डाउनलोड हो गया। तो ये टैब का कोई काम नहीं है, इसको काट देते। दूसरा क्या है, ट्रेनर। इसको डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पे देखो, तो ये जो डाउनलोड लिंक है इस पर क्लिक करना है, तो ये भी डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दो। तो तीसरा क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट, ये डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करो, इसी वेबसाइट में आप पहुंच जाओगे। तो थोड़ा सा नीचे जाना, ये लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो गया, तो सारे मेरे तीनों फाइल डाउनलोड हो गए। फाइनली हमारा तीनों फाइल डाउनलोड हो गया। तो ये डाउनलोड हो जाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू मेनू SP पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने सारे फाइल एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अब क्या करना है, GTA फाइल का मेन फोल्डर में जाना है। मेरा GTA 5 जहाँ पे इंस्टॉल है उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो मेरा दो GTA 5 है, दूसरा वाला मैं जाता हूँ, ये मैं कम खेलता हूँ, ये मैं ज़्यादा खेलता हूँ। तो इसको मैं परमानेंटली रखूँगा ये मेनू को। तो इसके अंदर मैं चला आया, GTA 5 का मेन फोल्डर में मैं आ गया। स्क्रिप्ट हुक वी है, इसको ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के बाद इसके बाद देखो यहाँ पे बिन फोल्डर है, इस बिन फोल्डर के हम जाएंगे। इस बिन फोल्डर में देखो तीनों फाइल है, तीनों फाइल नहीं लेना। इस फोल्डर में दो फाइल है, जो DLL फाइल होगा वो फाइल लेना है। ये एक DLL फाइल है, ये एक DLL फाइल है, दो DLL फाइल हमको लेना है। तो ये DLL फाइल मैं कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, दो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देंगे, कॉपी हो जाएगा। दूसरा भी कंटिन्यू कर देंगे, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फोल्डर का काम हमारा हो गया। तो बैक करेंगे, बैक हो गया, फिर से बैक करेंगे, बैक हो गया। अब क्या करना है, इस फोल्डर को लेना है, कौन सा, स्क्रिप्ट हुक डॉट नेट। इसके ऊपर देखो बहुत सारा फाइल देगा, सारे फाइल नहीं लेना, लेना है सिर्फ ASI वाला और DLL वाला, तीन फाइल लेंगे। यहाँ पे ये एक ASI वाला है, ये एक DLL है, ये एक DLL है, ठीक है। हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके। तो तीनों सिलेक्ट हो गए और तीनों को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देंगे। तो हर बार कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, सारे फाइल वहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तीसरा आखिरी वाला जो मेनू फोल्डर है, तो इस मेनू को क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो मेनू स्टॉप को लेंगे और मेनू ASI को लेंगे, ये दोनों फाइल लेना है, ठीक है। तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो हो गया हमारा पूरा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं। अब क्या करते हैं, GTA 5 ऑन करते हैं। तो मैंने जिस मेरे पास दो दो GTA 5 है, मैं इस पे नहीं इंस्टॉल किया, मैं इस पे इंस्टॉल किया, तो इसको ऑन कर लेते हैं। मेरा GTA 5 ऑन हो गया। तो स्टोरी मोड पे हम क्लिक करेंगे, ऑनलाइन गलती से भी नहीं करना, ऑनलाइन करोगे भी तो भी ऑनलाइन पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। इस फाइल रहते हुए ऑनलाइन आप कभी नहीं जा सकते, तो कैसे ऑनलाइन आप खेल सकते हो वो भी हम वीडियो के एंड में बता देंगे। तो चलो स्टोरी मोड में हम ऑन हो गए। वो जो मेनू डाले थे उस मेनू को ओपन करने के लिए हमको F8 दबाना है। अबे चल कॉल कट, ठीक है। और ये जो कंट्रोल होगा, ये मेनू जो कंट्रोल होगा, ये कंट्रोल सब होगा सिर्फ
नमपैड से, तो कीबोर्ड का दाईं तरफ जो नमपैड रहता है नमपैड से जब हम दो दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। एट दबाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, फाइव दबाएंगे तो एंटर होगा, ठीक है। जीरो दबाएंगे तो बैक होगा, ये देखो इनविजिबल, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बंदा ही गायब हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर से फाइव क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। नो रैगडॉल, नो रैगडॉल का मतलब होता है कोई भी आके अगर आपको धक्का मारे तो आप गिरोगे नहीं। देखो दिखाओ कैसे, ये देखो देखो मैं गन लेके मैं किसी के सामने खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। वो मुझे ट्रक से आने के मारने की कोशिश करेगा, ये देखो ये वाला ट्रक, ये देखो मारने की कोशिश करेगा, अरे चला गया भाग गया, ये बंदा तो दूसरा ही है, गजब क्या है, भाग गया। अरे तुम्हार, ये देखो मैं गिरा ही नहीं, ठीक है। देखो मैं गिरा ही नहीं, देखो बस के सामने जाऊंगा, अरे बस तू तो पीछे जा रहा है, भाग रहा है क्यों, मुझे धक्का मार। देखो मैं गिरूंगा ही नहीं, ठीक है। ये पेट फिर से दबा के इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, मतलब कि स्क्रीन से हाइड कर देता हूँ। तो मैं दूसरी जगह जाने की कोशिश करूँगा कि जहाँ पे थोड़ा शोर शराबा हो, ठीक है। तो वो होता है कसिनो किधर है, चलो इसी रोड पे चलते, इसी रोड पे चलते। यहाँ पे बहुत शोर शराबा है, तो यहाँ पे मैं मार्क लगा दिया। तो टेलीपोर्ट करने के लिए ये मेनू मुझे लेके जाएगा, तो मेनू को ओपन करिए, तो जाएंगे हम टेलीपोर्ट ऑप्शन में। यहाँ पे टेलीपोर्ट ऑप्शन नमपैड से हम कंट्रोल कर रहे हैं, फाइव दबाएंगे और ये देखो जहाँ पे मैं मार्क किया उसको वे पॉइंट कहते हैं। तो वे पॉइंट पे हम चले जाएंगे, देखो पहुँच गया ना, F8 दबाया बंद हो गया। देखो यहाँ पे मैं पहुँच गया, कहाँ था, इस जगह पे था, अब यहाँ पे मैं पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बंदे आएंगे, एक बार देखोगे सुपर जंप दिखाओ आपको, ये देखो सुपर जंप, देखोगे मैं कैसे कितना जंप करूँगा दौड़ के, ये देखो कैसा लगा मजाक, ठीक है। जंप करके करके ऊपर चला जाऊंगा मैं तो, ये देखो ऊपर आ गया, पहुंच गया ऊपर। यहाँ पे आपको देखो बहुत सारा ऑप्शन भी दिया गया, आपके मॉडल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरा बंदा भी बन सकते हो, एनिमल बन सकते हो, यहाँ पे जो क्या है कैट बन के दिखाओ, ये देखो कैट, ये बंदा बन गया कैट। अरे बिल्ला के हाथ में गन है, देखो ये क्या था, बिल्ला के हाथ में कोई गन देता है क्या, का बनते हैं, चलो ये देखो, ये देखो काओ बन गए, ये तो का गोली भी चलाएगा क्या, नहीं चलाएगा। डॉल्फिन गलती से भी फिश नहीं बनना ज़मीन पे, ठीक है, तो मर जाओगे, बार बार मरते रहोगे, जो पानी में चलने वाला चीज़ मत बनना, ठीक है, कभी नहीं, ओके। चलो डियर बनते, ये देखो डियर बन गया, कितना मस्त लग रहा है। चलो बैक करते हैं, दूसरा कुछ बनते हैं, चलो ये क्या है, बीच फीमेल बनते हैं, ये देखो ये सारे चीज़ें आप बन सकते हो, मतलब कि इसको मैं परमानेंटली रखने वाला हूँ इसी अकाउंट पे। और एक बात क्या है, तो ये मैं स्टोरी मोड में खेल रहा हूँ, तो देखो ऑनलाइन पे जब हम क्लिक करेंगे, ऑनलाइन जाने की जाएगा ही नहीं, ऑनलाइन तो ज्वाइन ऑनलाइन करूँगा, गो करूँगा, मैं ऑनलाइन पे गया तो देखो ऑनलाइन जाएगा ही नहीं है, यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये एरर मैसेज हमको आ जाएगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, तो सिंपल कुछ नहीं करना, GTA 5 को क्लोज कर देना है, ये आ गया GTA 5, ये स्केप दबाओ, गेम्स पे जाओ, GTA 5 को पूरा क्लोज कर दो, ओके क्लोज कर दिया, ओके GTA 5 क्लोज हो गया। अब जाना है GTA 5 जहाँ पे इंस्टॉल है, GTA 5 के फोल्डर में जाना है, तो यहाँ पे देखना एक DLL फाइल होगा, ये जो DIN PUT 8 DLL फाइल, इसको क्या करना है, कट करना है, इसको कट कर लेना है, कट करके स्टेप बैक करो, तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लो, यहाँ पे एक फोल्डर बना लो न्यू फोल्डर करके, तो इसके अंदर ये फाइल यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंटिन्यू क्लिक कर दो, वो आ जाएगा। अब देखो ऑनलाइन जाके दिखाता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला मैं प्ले कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दिया, तो मैं ऑनलाइन जाके दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले स्टोरी मोड जाना है, उसके बाद ऑनलाइन जाना है, पहले स्टोरी मोड ज्वाइन करना है, देखो स्टोरी मोड जाके इसको ऑनलाइन पे जाना है, थैंक यू।
ये देखो मैं ऑनलाइन आ गया। ये देखो मेरा बंदा ऑनलाइन आ गया, ठीक है। तो GTA 5 ऐसे तुम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर सकते हो।